नमस्कार दोस्तों, 18 सितंबर से एटीएम से जब कैश निकालेंगे आप, तो इसके जो है नियम बदल जाएंगे। आपको जो है रजिस्टर्ड मोबाइल साथ में लाना होगा। और भी जानकारियां हैं जिसे आप ज़रूर जानें। एसबीआई एटीएम कैश विड्रॉल न्यू रूल के अनुसार जो है, अगर आप डेबिट कार्ड के जरिए एटीएम से पैसे की निकासी कर रहे हैं, तो आपको जो है साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लाना ज़रूरी है। इसे लाना आप मत भूलिए। जब तक आप रजिस्टर्ड मोबाइल नहीं लाएंगे साथ में, आपका पैसा जो है एसबीआई से नहीं निकलेगा। यह बदलाव बैंकों की ओर से किया गया, क्योंकि ग्राहक के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। अब एसबीआई 10,000 रुपये या ज़्यादा राशि के लिए एसबीआई के डेबिट कार्ड धारकों को हर बार जो है अपनी डेबिट कार्ड पिन के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया ओटीपी भी जो है डालना होगा। बैंक की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि 24x7 ओटीपी आधारित नकदी निकासी की सुविधा को फेस करने के साथ एसबीआई ने एटीएम नकदी लेन देन में अपनी सुरक्षा के स्तर को और मजबूत किया है। बैंक के मुताबिक इस सुविधा को पूरा दिन लागू करने से एसबीआई डेबिट कार्ड धारक धोखाधड़ी, अप्रमाणित निकासी, कार्ड स्कीमिंग, कार्ड क्लोनिंग आदि का शिकार होने से बचेंगे। पैसा निकालते समय स्क्रीन पर जो है ओटीपी डालने का विकल्प भी आ जाएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बैंक की ओर से भेजे गए ओटीपी डालने के बाद पैसे की निकासी हो जाएगी। अब फायदा 6 करोड़ से अधिक लोगों को होगा। देश में एसबीआई के जो है करीब 22,000 शाखाएँ हैं। सुविधा जो है दूसरे बैंक के एटीएम पर नहीं मिलेगी। कि आप एसबीआई से किसी और बैंक के एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, तो ये सुविधा आपको नहीं मिलेगी। यह नए बदलाव जो है 18 सितंबर से लागू हो जाएगी। आशा करती हूँ यह जानकारी आपके काम की होगी, इसलिए इसे खुद भी सुने और औरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।